Aim for high and ignore criticism. Aim for high and ignore criticism. सर क्या है ये मोबाइल टावर दिख रहा है, फ्रॉग स्टोरी दिख रहा है उधर, क्या ये? एक गुरुवारची संध्याकाळ होती, 8 वाजले होते आणि त्या संध्याकाळी असं जंगलामध्ये एक मोबाईलचं टॉवर होतं आणि जंगलामध्ये खाली ते बेडकं असतात ना फ्रॉग, हे बघा असं काहीतरी आवाज येतो ना, तसं फ्रॉगचा पण आवाज येतो माहिती आहे का, कट 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 असा आवाज येत असतो. तर त्यांचं असं डिस्कशन चाललं होतं, म्हणे हा मोबाईल टॉवर आपण रोज बघतो, एक दिन इस पे चढके देखना है दुनिया कैसी दिखती है, एक दिन इस पे चढेंगे और देखेंगे दुनिया कैसी दिखती है. तो त्यांनी एक निश्चय केला की चलो कल सुबह 9 बजे मिलते हैं और सब लोग यहाँ पे चढ़ेंगे, जो भी चढ़ेगा ही विल बी द विनर, और जो भी वहाँ पे चढ़ के दिखाएगा वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगा. वर्ल्ड मतलब उनका उतना सा छोटा सा वर्ल्ड. तो सकाळी 9 वाजता सगळे भेटतात तिथे आणि त्याच्यामध्ये मग 2 टीम्स तयार होतात, टीम ए आणि बी. 2 टीम का तो एक चेअरिंगसाठी लागते म्हणे आणि एक वरती चढायला. तो पहिले टीम ए स्टार्ट कर देती है ऊपर चढना, तो जैसे ही चढ़ना स्टार्ट करती है टीम बी नीचे से कम ऑन है चेयर करते ऐसे एकदम मस्त, चलो कर सकते कर सकते. तो त्याच्यामध्ये मग काही काही जण चढतात, काही ते फ्रॉग्स पडतात खाली, मग चढतात परत, मग खाली पडतात, मग कोणीतरी खालून एक कविता मारतं, कोशिश करणे वालों की हार नाही होती म्हणे. मग त्यातला एक फ्रॉग परत एकदा जोशमध्ये चढतो, परत खाली पडतो. तो वो टीम ए जो है ना वो थक जाती है, वो बोलती है कोशिश विशेष कुछ नहीं होता है, नहीं जम रहा है मुझे, तो आ जाते नीचे. फिर यहाँ से बी टीम वाले चालू हो जाते, ते म्हणतात है तुम्हारे से नहीं होगा, आप आ जाओ अभी नीचे, हम चढ़ के दिखाते. तो त्याच्यामध्ये एक गुपचुप गुपचुप एक वरती चढ़त असतो, एकच फ्रॉग असतो, तो गुपचुप गुपचुप असा वरती वरती चढ़त असतो, पूरा टीम ए नीचे आ जाता है बट वो फ्रॉग अपना अपना चल रहा है, ऊपर जा रहा है वो. फिर टीम ए नीचे आ जाती है, फिर टीम बी स्टार्ट करती है ट्राई करना, ए में से एक है जो चढ़ रहा है ऊपर जा रहा है. मैं टीम भी सडनली गोज, फिर से वो स्टार्ट करते हैं उसमें, फिर ये जो है ना टीम ए वाले लोग, तो पहले तो थोड़े चेयर करने लगते हैं, फिर बोलते हैं यार नहीं होता है, हमने भी करके देखा है, असं म्हणतात ना आपल्याला, अरे आम्ही करून बसलो काही नसतं, असतात ना असे मोठे लोक वगैरे, नाही नाही काही नसतं असं तसं क्रिटिसिझम इसको बोलते. तो पूरा टीम का टीम बी जो है वो भी चढ़ के नीचे गिर के फिर से हार के दोनों टीम और ए और बी दोनों नीचे आ जाते, दोनों खाली येतात. त्यातला जो मी म्हटला ना पहिला वाला जो है तो चढ़त रहते चढ़त रहते चढ़त रहते, देखते देखते 15 मिनट में वो टॉप पे पहुंच जाता है. यहाँ पे देखता है पूरी दुनिया, एंजॉय करता है वहाँ जाके, है ना, जो उसका ड्रीम था ही अचीव्स, एंड उसके बाद वो सीधा नीचे आ जाता है. नीचे जितने भी लोग हैं तो वो ज़्यादा बहुत क्यूरियस होते हैं सुनने में, अरे कैसे चढ़ा उसने, देखते हैं, इंटरव्यू लेते हैं उसका, होता है ना जैसे ही कोई बड़ा बनता है तो सारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं, फेसबुक पे रिक्वेस्ट आने लगते बहुत सारे, है ना, समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ. तो मग त्याच्यामध्ये कसं होतं की त्या फ्रॉगला खाली आल्यानंतर सगळे विचारतात, अहो कसं काय चढला तू, काय केलं एक्झॅक्टली नवीन, हां शूज वगैरे काय नवीन होते का, तो पुरा ऐसा पूछने लगते. तो 15-20 मिनिट बाद समझ में आता है, 15-20 मिनिट्स बाद कळून येतं की त्या फ्रॉगला ऐकायलाही येत नाही, बोलताही येत नाही, उसको ना सुनाई देता है ना वो बोल सकता है. इसका मतलब उसको कुछ सुनाई नहीं दिया जो क्रिटिसिज्म नीचे से हो रहा था, जा सकते हो नहीं जा सकते हो ना, उसको चेयरिंग सुनाई दी, उसमें था तो सिर्फ एक ड्रीम, उसको दिखाई दिया विजन और उसमें से आया डिजायर. तो जितना भी क्रिटिसिज्म आएगा तो सीधा कान बंद कर दीजिएगा, नहीं सुनना है, सुनना नहीं है, सुनोगे तो गिरोगे, सुनना ही नहीं है, क्योंकि हम इतने स्ट्रांग नहीं होते क्रिटिसिज्म सुन के भी फर्मली स्टैंड हो पाए, नहीं होते इतना. ऐसे ही कोई आपको सुबह बोलता है यार शर्ट अच्छा नहीं दिख रहा है तो हम जाके चेंज करके आते, इतना भी क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते. तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ.